मार्केट का पंचनामा में आपका स्वागत है. मैं हूँ सोनम मेहता और मेरे साथ है प्रदीप पंड्या. हाय सोनम. हाय प्रदीप. प्रदीप, तो बाजार में आज प्रॉपर्ली कैसे सीसो मूवमेंट देखने को मिला है. भारी उतार चढ़ाव दोनों देखने को मिला है बाजार में. इंटरेस्टिंग ये था कि निफ्टी ने 10,200 के पास लेवल के पास आए और फिर वहां से जबरदस्त रिकवरी दिखाई है. ठीक उसी तरह बैंक निफ्टी के साथ भी हुआ. लोस पर आए आज दिन के और फिर जबरदस्त रिकवरी दिखाई दी है. जबरदस्त पिकअप देखने को मिला है. और इस मार्केट को हम कैसे देखते हैं. रुपया भी 74 के ऊपर था. बाजार इतना गिरा नहीं, उससे नर्वस नहीं हुआ है. इस बाजार को देखते कैसे. तो हम एक ही चीज देखते हैं हमेशा और वो है क्रूड जी. अब जब क्रूड नीचे आने लगा है तो जाहिर है कि बाजार को मदद मिलनी चाहिए, लेकिन बाजार टिक नहीं पाया. जिस तरह से क्रूड अब 86 वाला 83 हो गया जी. तो उसका इम्पैक्ट आपको मार्केट पे उतना दिखाई नहीं दिया है. इसके पीछे जो कुछ वजह नजर आती है, देखिए पहली वजह तो ये थी कि डॉलर मजबूत रहा तो रुपए को उतनी रिलीफ नहीं मिल पाई जितनी कि क्रूड की वजह से मिलने की उम्मीद थी, तो उससे मार्केट नर्वस बना हुआ था. दूसरे अभी भी मार्केट में थोड़ा रिडम्पशन का प्रेशर बना हुआ है ऐसा लग रहा है. आप देखिए खासतौर पर मिड कैप स्पेस पे वो जो मार्जिन के बाद गिरावट के बाद फिर मार्जिन वाला जो साइकिल चल रहा है अभी तक वो खत्म हुआ नहीं है. और काफी सारे फंड्स के खासतौर पर PMS वगैरह में एक रिडम्पशन का दबाव आ रहा है, तो उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है. एक और तीसरी वजह ये भी थी कि बाजार में अभी भी NBFCs को लेकर के काफी बड़ा मेजर डिस्कम्फर्ट बना हुआ है. कई सारी चीजें हो रही है, जैसे एक डेट फंड ने शुक्रवार के दिन आयरलैंड FS का राइट ऑफ लिया तो उसके चलते उनका NAV अचानक से कम हो गया. तो उसके बाद मार्केट में फिर से उसकी चर्चाएं आज पूरे दिन गर्म थी कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा. काफ़ी सारे जो डेट फंड्स हैं जो सरकारी बॉन्ड के अलावा प्राइवेट कंपनीज में पैसे लगाते हैं, NBFCs के इनकम का या लिक्विडिटी का एक बड़ा सोर्स ऐसे फंड्स हैं, और वहाँ पे ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि उनके लिए रिडम्पशंस आ रहे हैं. लोग ऐसे रिस्क लेने वाले फंड से निकल करके सरकारी बॉन्ड वाले फंड में स्विच हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनको लगता है कोई रिस्क नहीं है, सरकार कम से कम डिफॉल्ट नहीं करती आयरलैंड FS की तरह. तो हालांकि ये डर बहुत जायज नहीं है, लेकिन ये कुछ HNI इन्वेस्टर हैं जो अपने दिमाग से या अपने सलाहकारों की सलाह पे कदम उठाते हैं और वो कॉशियस हो रहे हैं. तो एक जो रिस्क एवर्जन है वो कई अलग अलग तरीके से मार्केट में दिखाई देता है, और उसके अंदर जब आप जाकर ढूंढते हैं तो आपको पता लगता है कि अच्छा ये भी था, अच्छा ये भी प्रॉब्लम था, तो वो सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होंगे. अच्छा, आपने क्रूड की बात की जिसमें गिरावट तो आई है, थोड़ा हल्का भी हुआ है, इसका असर रुपए पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा. क्योंकि रुपया जितना भागा है या फिर जितनी ज्यादा कमजोरी इसमें आई है वो ज्यादातर उसकी वजह काफी वजह क्रूड थी. तो रिलैक्स रुपए क्यों नहीं हो पा रहा. क्योंकि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर पे नजर डालें तो डॉलर इंडेक्स जो दूसरी करेंसीज के मुकाबले में डॉलर की वैल्यू बताता है वो थोड़ा मजबूत बना हुआ है अभी भी. और डॉलर की स्ट्रेंथ जो आ रही है वो अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ने की वजह से आ रही है, जहां 3.25 के आसपास 10 साल के बॉन्ड की यील्ड पहुंच गई है. तो उस वजह से अभी भी लोगों को ऐसा लग रहा है कि रुपए में जो रिलीफ आई है ये टेम्परेरी है. कल को क्रूड फिर डॉलर एक डॉलर और बढ़ गया तो शायद आप फिर से नए लोज बना सकते हैं. तो इस वजह से सप्लाई का प्रेशर है. दूसरे इक्विटी मार्केट में जो गिरावट आती है वो पैसे फिर रिडीम होते हैं क्योंकि वो डॉलर में कन्वर्ट होकर देश से बाहर जाते हैं. तो जो कस्टोडियंस हैं उनकी ओर से जब भी वो डिमांड रेज होती है वो एक बड़ा सोर्स बना हुआ है जिसकी वजह से अभी भी पैसा बाहर जा रहा है. और देखिए $83 भी कम नहीं है ना, तो क्रूड की वजह से भी जो डिमांड है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की वो बनी हुई तो है. इसलिए डॉलर पर हर तरफ से दबाव है और यही वजह है कि अकेले क्रूड से रिलीफ नहीं मिल पा रही. हाँ, अगर मान लीजिए कि डॉलर थोड़ा सस्ता हो ना दूसरी करेंसीज के मुकाबले, वहाँ गिरावट देखने को मिले, या अमेरिका में बॉन्ड यील्ड थोड़े नीचे आए 3.25 की से फिर फसल के 3% की तरफ अगर आते हैं, पहले कई बार ऐसा हुआ है, तो शायद आपको डॉलर में एक रिलीफ मिले, रुपए में एक रिलीफ मिलेगी. चलिए ठीक है प्रदीप, सवाल लेना शुरू करते हैं. तो सबसे पहला सवाल आ रहा है आरती ठाकरे जी का. इंडिया सीमेंट और IOC दोनों शेयर पर व्यू मांग रही है, तो IOC बल्कि पूरे ऑयल मार्केटिंग कम रहेगा. जब तक नहीं तोड़ा तब तक तो बना ही रहेगा. और अशोक लेलैंड पे मुझे याद है पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तो मैंने ये कहा था कि अब इस कंपनी में स्पेसिफिक ऐसी कोई खबर नहीं है या कोई एनालिसिस करने की जगह नहीं है, लेकिन बाजार अगर गिरेगा तो ये भी गिर सकता है, तो वही हुआ है. और अब अगर ये अपने पिछले लेवल को होल्ड कर रहा है तो ये अच्छी बात है. इसका मतलब है कि ये कमजोर शेयर नहीं है. इस मार्केट में देखिए जो कमजोर शेयर है वो अपने पिछले लोज को तोड़ करके उसके नीचे चले गए हैं, वो 52-week लोज बना रहे हैं. ऐसे शेयरों से आप दूर रहिए. और अशोक लेलैंड में अगर आप देखें तो हाल के आंकड़े भी इतने बुरे नहीं हैं जितने कि कई दूसरी ऑटो कंपनीज का में एक स्लोडाउन दिखा है, यहाँ पे नहीं है ऐसा.
तो फंडामेंटल्स भी साथ दे रहे हैं और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि अगर आप ट्रेडर हैं और आज आपने एंट्री ली है तो 105 में स्टॉप लॉस लगाइए, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो गिरावट में खरीदारी का एक मौका समझिए। अच्छा ऐसे दीप जी पूछ रहे हैं जुबिलियन फूड वर्क्स, इसको अभी ले लेना चाहिए या फिर वेट करें, उनको लॉन्ग टर्म के लिए शेयर पसंद है। काफी गिरावट आ गई है, अब आपको और नीचे मिलेगा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। तो ऐसी स्थिति में अच्छे स्टॉक्स में आमतौर पर राय यही होती है कि जब इस तरह के पैनिक में वो गिरते हैं तो वहाँ आपको थोड़ा थोड़ा करके लेना चाहिए। 4 से 5 बार में आपकी जो भी टोटल क्वांटिटी आपको लेनी है, तो आप ये सोचिए कि बाजार अगर यहाँ से आगे अगले कुछ महीने का वक्त गुजारता है, निचले स्तरों पर कंसोलिडेशन होता है या थोड़ी और गिरावट आती है, तो वो आपके लिए मौका है। तो आप अगले 4 से 5 महीने में धीरे धीरे करके खरीदारी करते रह सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ बदलाव होता है, कोई अचानक से बहुत अच्छी खबर आती है, तो फिर हम इसको रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन देखिए, इस तरह के स्टॉक्स जो काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं वो आपको ऐसे कभी कभी मौके देते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट ने मौका दिया पिछले हफ्ते, अगर आपने उसका फ़ायदा नहीं उठाया तो आपके हाथ से निकल गया। जुबिलेंट फूड में भी ऐसा ही है। तो आप धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट कीजिए। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है मुझे नहीं पता, अगर आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं तो उस स्थिति में आप बड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए, थोड़ा नीचे आए तो फिर निकलिए। इस तरह की एक रणनीति आज सुबह अमरीश बालिका जी बता रहे थे, वो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं, आमतौर पर इस तरह की सलाह नहीं देते। तो जब उनकी बात से मुझे ये अंदाज़ा लगा कि आप भले ही फंडामेंटल्स पर भरोसा करके चलते हो लेकिन थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करने में कोई बुराई नहीं है, और ऐसे निचले स्तरों पर जब स्टॉक मिले तो ले लीजिए, अगर वन वे बाउंस आता है तो थोड़ा बेच दीजिए, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, थोड़े प्रॉफिट पे आप आ जाएंगे, फिर अगर खुदा ना खास्ता फिर गिरता है तो फिर ले लीजिए। बिल्कुल एग्जैक्ट सटीक यहाँ से हम आपको गेम प्लान तो नहीं बता सकते, हर रोज हम उसको रिव्यू करते रहेंगे और हर रोज आपको स्ट्रेटेजी बताते रहेंगे। जरूर। अच्छा साहिल कक्कर जी पूछ रहे हैं कि रेडिको खेतान को क्या हो रहा है, रोज क्यों ये गिर रहा है सर? पूरा बाजार ही गिर रहा है भाई, सब क्या नहीं गिर रहा, जब सब कुछ गिर रहा है और ऐसे में एक अच्छा स्टॉक गिरे तो लेना चाहिए। रेडिको खेतान पे बिल्कुल पॉजिटिव व्यू है। देखिए हाल में तमाम लेकर कंपनीज में जोर से गिरावट आई है, तो ये भी उसका शिकार होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो इंटैक्ट है। जिस तरह से ये प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, देश के बाहर अपना उत्पादन बढ़ाने की बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। तो रेडिको में ये गिरावट खरीदारी का एक काफ़ी अच्छा मौका है, आपको चूकना नहीं चाहिए, तो ये कहूँगा। अच्छा अच्छा, यहाँ पे DHFL को लेकर काफी सवाल आ रहे हैं कि शेयर में फिर से आज गिरावट आई है, क्या वजह है इसकी, और दूसरा इस पे अब व्यू क्या बन रहा है? तो हाल ही में जब भारी गिरावट आई थी DHFL के शेयर में कुछ दिनों पहले, तब अच्छा खासा वापस थोड़ा सा छोटा सा बाउंस बैक आ गया था, तब मेरे ख्याल से लोगों ने बाय भी कर लिया था कि समझ के कि ये भागेगा फिर से, लेकिन आज फिर से गिरावट आ गई है, वो भी 20% की। सब DHFL नहीं, एडलवाइज, GM फाइनेंशियल, इन सारे शेयर्स में गिरावट आई है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, क्या हो रहा है यहाँ पर, फिर से क्यों गिरावट आ रही है शेयर में? जो हम अभी बात कर रहे थे कि जो डेट फंड्स हैं, जो एक काफ़ी बड़ा एक सोर्स थे पूंजी का इस पूरे सेक्टर के लिए, वहाँ पर अब उन फंड्स में रिडम्पशन का दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसी स्थिति में इन सारी कंपनीज के लिए दिक्कत है। अब इनको बैंक के पास वापस जाना पड़ेगा, क्या बैंक इनकी फंडिंग करेंगे, किस रेट पे करेंगे, उसके ऊपर अब RBI ने जो कहा है कि वो एक नया ALM का मॉडल लेकर आ रहे हैं, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के नए गाइडलाइंस आएंगे। इसका मतलब क्या है, बहुत सिंपल है, आपको एसेट लायबिलिटी और ALM सुनकर के थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, जो लोग खासतौर पे कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है, सोनम की तरह आप है ना? मैं कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो अगर आप सोनम की तरह कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हैं तो फिर ये समझ जाएंगे, आप नहीं समझेंगे। तो आपके लिए मैं सिर्फ ये बताऊं कि अगर बजाज फाइनेंस ने आपको लैपटॉप खरीदने के लिए 11 महीने का लोन दिया है, और उसके सामने बजाज फाइनेंस 11 महीने का एक CP सर्टिफिकेट, कमर्शियल पेपर माफ कीजिएगा, वो जारी करते हैं, तो ये एसेट लायबिलिटी मैच हो जाती है। ये जो उन्होंने पैसे उठाए हैं वो 11 महीने बाद लौटाने हैं, और आपको भी अपना लोन 11 महीने में भरना है, तो ये तो मैच हो गया। लेकिन अगर DHFL ने CP उठाया है और सामने आपको 20 साल का हाउसिंग लोन दे दिया है, तो ये मिसमैच हो जाता है। आपने लोन दिया है 20 साल का और फंड उठाया है साल भर का, तो इन तमाम कंपनीज को ऐसा होता है कि थोड़े पैसे शॉर्ट टर्म के लिए भी उठाने पड़ते हैं, लेकिन उनके जो बैलेंस शीट का बड़ा हिस्सा लॉन्ग टर्म फंडिंग का होना चाहिए, 5 साल या ऊपर के डिपॉजिट्स हों, बॉन्ड्स हों, तो इस तरह की गाइडलाइन आने वाली है, तो उसकी भी चिंता है बाजार को, और इसलिए भी हम देख रहे हैं कि NBFCs को लेकर थोड़े फिक्रमंद बने हुए हैं। और ऐसा लगता नहीं कि अभी भी जिस तरह से इंटरवेंशन होना चाहिए सरकार का और रेगुलेटर्स का, वो हो पाया है, और आज ही
मैंने बात की अजय पीरामल साहब से, पीरामल एंटरप्राइजेस के, जो कि खुद बड़ी NBFC चलाते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि जो स्थिति है उसमें इस समय सेक्टर को थोड़ी मदद करने की ज़रूरत है, और उसके बाद पहले उनकी थोड़ी मदद कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे रिफॉर्म्स कीजिए, तो सब कुछ वापस पटरी पे आएगा, वरना अचानक से अगर ब्रेक लग गया तो दिक्कत होगी। तो ये सारे डर हैं जो इस समय इंडस्ट्री को सता रहे हैं, और इसलिए NBFC शेयरों से, और ख़ास तौर पे आपको पता है कौन से स्ट्रांग है कौन से वीक हैं, जो थोड़े भी वीक हैं उनसे थोड़ा बच के ही रहिए। अभी बच के रहने का मतलब है कि थोड़ा अवॉइड कीजिए, अभी तुरंत एंट्री लेने की कोशिश मत कीजिए, थोड़ी तस्वीर साफ होने दीजिए, मेरी तो राय यही होगी। अच्छा ठीक है। अच्छा मेटल पे काफी सवाल आ रहे हैं, तो वेदांता, हाँ, हिंडालको, नैल्को, टिन प्लेट, ये सारे शेयर्स फोकस में आ रहे हैं, तो आज तो खबर, हाँ, हाँ, मतलब खबर अच्छी थी कि चाइना ने अपना CRR घटाया है 15 तारीख से वो होगा इम्प्लीमेंट, तो देखेंगे उस दिन क्या असर होता है। आज तो हुआ नहीं, चाइना के मार्केट गिर गए, हालांकि कमोडिटी मार्केट ओवरऑल ठीक थे, लेकिन मेटल पे थोड़ा सा प्रेशर इस बात से भी पड़ा है कि ब्राज़ील में कुछ नियम में बदलाव हुआ है जिसकी वजह से एल्यूमिनियम गिरा, तो दूसरे मेटल्स पर भी उसका असर देखने को मिला होगा। तो कमोडिटी मार्केट में जो एक्शन होता है उसका इम्पैक्ट आप सीधे तौर पर यहाँ पे देखते हैं। आई थिंक एग्जैक्टली ये था कि भाव की जो सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी है, हाइड्रो जिसको हम कहते हैं, उनको कोई परमिशन मिल गई है और इसलिए वो अपनी कैपेसिटी को फिर से शुरू कर सकते हैं ब्राज़ील में। अगर ऐसा हो जाता है तो कैपेसिटी मार्केट में बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाता है, और इसलिए प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल रही थी, और उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे आता हुआ दिखाई। एग्जैक्टली, तो ये असर यहाँ पे दिखाई, और आप मेटल स्टॉक्स में हमेशा कमोडिटी पे और करेंसी पे भी नजर रखनी पड़ती है, उसका सीधा असर हमेशा शेयर बाजार पे देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। सुजीत अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, मारुति, उनके पास है 8500 पे एक लॉट है शायद उनके पास, तो मारुति पे क्या व्यू बन रहा है? जब CLSA ने टारगेट कट कर दिया तो हमारा व्यू अलग तो नहीं हो सकता, यानी अब ये यहाँ से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा जितना कि ये अब तक करता रहा है। ये व्यू अगर अब CLSA का है तो ऐसी स्थिति में कुछ अंडर परफॉर्मेंस आपको दिखेगा, तेजी में कुछ फंड्स निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, तो इस समय अच्छी गिरावट के बाद ट्रेडिंग का मौका तो है, इन्वेस्टमेंट व्यू लेने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, जब तक इन बड़े खिलाड़ियों का मूड बदलता नहीं है तब तक आप नीचे गिरावट में लीजिए, बाउंस पे बेचिए, जब कभी मूड बदलेगा तो फिर ये स्टॉक रख लीजिएगा, काम आएगा। सुपर प्रदीप, कल के लिए कोई रणनीति बन रही है यहाँ पर? रुपए पे क्रूड पे तो नजर बनी रहेगी, लेकिन क्या और लोज हमें देखने को मिल सकते हैं? तो ये बहुत जरूरी है कि रुपया नए लोज ना बनाए जी, और क्रूड में थोड़ी और इम्प्रूवमेंट, थोड़ी और गिरावट देखने को मिले। देखिए क्रूड की कहानी ऐसी है कि हर रोज जब क्रूड बढ़ता है या घटता है तो हमारा बाजार उस पर रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अभी हमने ब्रेकआउट देखा है, हम 80 के ऊपर नहीं जाते थे, पहली बार आए हैं, अब क्या 80 से 86 की एक नई रेंज बन गई है? अगर ऐसा हो जाता है और मार्केट को लगता है कि हम इसी रेंज में घूमते रहेंगे, थोड़ा ऊपर जाएंगे थोड़ा नीचे आएंगे, तो फिर बाजार इस तरह से हर रोज क्रूड को देखना बंद कर देगा। जब तक ये नहीं होता तब तक, जब दूसरी बार फिर से क्रूड ऊपर जाएगा, अब वो 83 पे बॉटम करता है, 82 पे करता है, 80 पे करता है, कहीं से भी करके जो दोबारा घूमेगा तो इस बाजार को एक बार फिर से झटका लगेगा, क्योंकि बाजार को लगेगा ठीक है करेक्शन पूरा हो गया, अब हम 90 की तरफ जा रहे हैं, तो हम 90 की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम कहीं एक नई बैंड बना रहे हैं, वो भरोसा कायम होने में वक्त लगेगा और तब तक आपको झटका लगता रहेगा। लेकिन इमीडिएटली कल के लिए अगर क्रूड और फॉरेक्स में कोई आपको शॉक नहीं आता तो मुझे लगता है कि आज के दिन जो वोलेटिलिटी दिखी है वो अपने आप में इस बात का संकेत है कि बाजार अब एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, बाजार दोनों तरफ जा रहा है, अभी तक एक तरफ जाता था, तो ये दूसरा एक हम कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट का पहला दौर है, जब बाजार कम से कम दोनों तरफ मूव तो कर रहा है। तो आज कई बार हमने जो डे ट्रेडर्स के शॉर्ट्स थे वो ट्रैप हुए, लेकिन पोजिशनल ट्रेडर अभी ट्रैप नहीं हुआ है। तो अगर आप एक और थोड़ी अच्छी उछाल देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जिसको पोजिशनल ट्रेडर्स इस समय ट्रैक कर रहे होंगे, जैसे 24,700 का लेवल मेरे ख्याल से आपको निफ्टी बैंक के हिसाब से ट्रैक करना चाहिए, तो ऐसे लेवल्स के ऊपर अगर हम निकलते हैं और वहाँ पर आपको बाजार टिकता हुआ या बंद होता हुआ नज़र आता है, तब फिर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो अभी हम ये कहेंगे कि इम्प्रूवमेंट का या बाजार में रिकवरी का एक शुरुआती फेज हमने देखा है, इसको कंफर्म होने के लिए अभी एक दो दिन का वक्त लगेगा, और कल खास तौर पे देखने वाली बात यही होगी कि और कितना ट्रैक्शन आता है, ऊपर के लेवल्स कितने टूटते हैं, आज के हाईस के ऊपर पहले हम निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, उसके ऊपर टिकते हैं या नहीं टिकते हैं, तो वो धीरे धीरे देखने को मिलेगा। अभी भी मार्केट में रिस्क काफ़ी ज़्यादा है,
ट्रेडर्स के लिए बड़ा अच्छा मार्केट है, दोनों तरफ आपको मौका मिल रहा है, तो ट्रेड कीजिए। बहुत पोजीशन रोल करने से पहले थोड़ा सोचिए, हम कल आपको दोपहर में बताएंगे कि पोजीशन रोल करने वाली स्थिति हुई है या नहीं हुई है। सुपर प्रदीप, तो पॉजिटिव ट्रिगर्स काफी दिखाई दे रहे हैं, आई होप सो वो बना रहे और बाजार को भी थोड़ा मूड अच्छा हो जाए इस बहाने बाजार का। कल मिलते हैं फिर से नई